हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा ऊष्मा यानी कि हीट। फ्रेंड्स, इससे पहले हम ऊष्मा पर एक लेक्चर बना चुके हैं, अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड मिलेंगे, 3 सेकंड तक उसका आंसर आप सोच सकते हैं या इसका आंसर आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्वथनांक तथा हिमांक पता होना चाहिए। दोस्तों, किसी द्रव का क्वथनांक वो होता है जब द्रव उस तापक्रम पर भाप बनने लगता है, तो वो क्या कहलाता है, जल का या किसी द्रव का क्वथनांक। और हिमांक बिंदु क्या होता है फ्रेंड्स, वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव जम जाता है, यानी कि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आ जाता है, तो क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। फ्रेंड्स, इसमें हमसे जल का क्वथनांक तथा हिमांक पूछा गया है। तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। फ्रेंड्स, कितना होता है ये, -273 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। दोस्तों, ये सेल्सियस में कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 273 इसमें जोड़ देते हैं। तो फ्रेंड, जब हम इसे जोड़ देते हैं कितना आता है ये, 310 केल्विन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, इसका आंसर आप इजीली देख सकते हैं। दोस्तों, ये तापक्रम कितना होता है, -40। तो फ्रेंड्स, -40 पर सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, तो आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम संभव ताप है। फ्रेंड्स, न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये न्यूनतम तापमान होता है, इससे कम तापमान हो नहीं सकता, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 200 डिग्री फारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा। फ्रेंड्स, ये कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट स्केल पर ये कितना होगा। दोस्तों, ये फारेनहाइट स्केल पर कितना होगा, 32 डिग्री फारेनहाइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस पर तापक्रम है। फ्रेंड्स, ये डिग्री सेल्सियस में लगभग कितना होता है, 36.89 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। फ्रेंड्स, उबलते हुए पानी का फारेनहाइट स्केल में तापक्रम कितना होता है, 212 डिग्री फारेनहाइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा। फ्रेंड्स, कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके तापक्रम फारेनहाइट में क्या होगा? फ्रेंड्स, अगर आपको एक फॉर्मूला पता होगा तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। हमारा रिलेशन क्या होता है, सी बटे 5 एफ माइनस 32 बटे 9। फ्रेंड्स, इसमें हम जब इसकी सेल्सियस की वैल्यू रखेंगे 60 की, तो क्या होगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसे दोस्तों जब हम 12 से काट देंगे, ये कितना आएगा, 12, और इसे इसकी 9 से गुणा कर देंगे, ये 108 आ जाएगा, और 32 को जब इधर ले जाएंगे ये इसमें ऐड हो जाएगा। दोस्तों ये कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 140 डिग्री फारेनहाइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। फ्रेंड्स, फारेनहाइट में किसी शरीर मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है, 98 डिग्री फारेनहाइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, तो आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, जिससे कि हमारे हाथ जलते नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वो टूट जाता है, इसका क्या कारण है? दोस्तों इसका कारण ये है, जैसे ही जब हम गर्म पानी की छींटें मोटे कांच पर डालते हैं तो गिलास विस्तारित हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? फ्रेंड्स, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन, फ्रेंड्स, क्या होता है? पहले कम होता है, इसके बाद बढ़ता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो, फ्रेंड्स, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा, फिर बढ़ेगा। फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जब हम जल को गर्म करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तक तो उसका आयतन घटेगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका आयतन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट रहे हैं? फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, तो इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा, अव्यवस्थित रहती है, तो आप इसका ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, तो आप इसका ध्यान रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है। एक धातु की ठोस गेंद को के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन, दोस्तों कोटर का आयतन बढ़ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और इसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण है। फ्रेंड्स, इसका कारण यह है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो रेल की पटरियों के मध्य एक जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? फ्रेंड्स, दो रेल की पटरियों के मध्य एक जोड़ पर छोटा सा एक स्थान छोड़ा जाता है, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी झील की सतह पर पानी जमने ही वाला है, झील के अधस्तल में जल का क्या तापमान होगा? दोस्तों, झील के अधस्तल पर तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल में जब ठंड में जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। तो आप इसका ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा के संचरण की विधि है। दोस्तों, ऊष्मा के संचरण की विधि चालन भी है, संवहन भी है और विकिरण भी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वम्ब नहीं जाते? दोस्तों, चालन में ऊष्मा के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वम्ब नहीं जाते। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? दोस्तों, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो मुझे उम्मीद है आपको अपने एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फ्रेंड्स, इस लेक्चर सीरीज में हम फिजिक्स के सारे टॉपिक कवर करेंगे वन बाई वन, और ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। इसी तरह से हम पूरा फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को शेयर करते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।